हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी एट क्लास। जो बी एफ ए एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी पेपर आता है उसको मैं साथ साथ बताते जाऊंगा, तो आप लोग इसे देख करके नोट कर लें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे क्या क्या गलत कमी है इरेजर देना। सबसे पहले जो आँख हम समझाए थे ना वैसा नहीं आया। यहाँ पे ऐसे अंदर, ये अंदर की तरफ जा रहा ना, ठीक है। अब ये आईबुल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा ना, देखना, ठीक है। इसके बाद इसके बाद ज़रूरी ये है ना कि ये आईलिड बना लेना, ठीक है। इसमें भी वही होगा ना, ये जो ऐसे स्क्रीन घूम रहा है ना, यहाँ पे स्क्रीन घूमता हुआ रहेगा ना। और आईबॉल अब कहाँ है, इसके अंदर है ना, देखना ये समझ में आया। पक्का जी। ये स्क्रीन यहाँ पे ऐसे नहीं देखना, है ना। ये चीज़ यहाँ पे ऐसे सही है, ये चीज़ सही जा रहा है, ये भी सही है। आईब्रो वैसे ही करना है ना। यहाँ पे ऐसे खड़ा रहेगा, ये ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, नहीं देखने से ये घूम जाता है ना। यहाँ पे ना ऐसे, मतलब अगर ऐसे बाल जा रहा है तो यहाँ पे इधर से ओवरलैप करता है, ये देखना यहाँ पे, देखो तो है बीच वाला ये रहा है ना। यहाँ पे ऐसे ना देखना, ठीक है। और दाढ़ी के साथ वही होगा, देखो ये इतना भरा भरा नहीं होता ना, ऊपर वाला हिस्सा कैसे यहाँ पे खाली होता है ना, अभी बताया। देखो क्या ऐसे, देखो ये ना, ये यहाँ पे ऐसे ना देखना, है ना, ये ऐसे देखना। यहाँ पे घना होता है, अब फिर यहाँ पे कम होगा ना, ये है ना, फिर यहाँ पे फिर वापस बढ़ जाता है, ठीक है। और ये नीचे जाएगा तो ऐसे आएगा ना, मतलब ये हिस्सा भी खाली होगा ना, देखना। हाँ जैसे ये इस पर चढ़ गया ना, ये यहाँ पे देखो ऐसे आया ना, ठीक है। यहाँ पे ये हिस्सा तो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि अब इसके ऊपर बाल आने वाला है ना, ठीक है। तो ये दाढ़ी हमें इधर से भी दिख रहा होगा ना, ऐसे देखो यहाँ से ऐसे से जाएगा नहीं, ये चीज़ यहाँ से देखा देना, तो बड़ा ही कर देते हैं ना, देखने में चलेगा। तो जैसे ये देखो, ये ऐसे जा रहा है ना, ये उठ उठ कौन सा रह रहा है ना, ये उठ रहा है ना। और होता क्या पता, जैसे बाल यहाँ पे ऐसे से आ रहा है ना ये, तो हम लोग जो डार्क करेंगे इतना नीचे से करेंगे डार्क, ठीक है, ऐसे करके इसके नीचे से सर यहाँ से। हाँ अब ये नहीं कि जैसे कि हम लोग बाल 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 दें ना, ये नहीं कि लास्ट से शुरू से ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हाँ इसके नीचे से ऐसे करेंगे डार्क, ठीक है, ऐसे ऐसे ना, देखना यहाँ पर ऐसे से करके, नहीं ये वाला चीज़ को ऐसे से करके डार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कोई लाइन नहीं पड़ेगा ना, है ना, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे से आना चाहिए ना, है ना, ये चीज़ आगे पीछे हो सकता है ना। यहाँ पे जा आ जाएगा तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे करके ना, है ना, ये ऐसे क्या सर, नीरज बड़ा हो क्या ऐसे लगेगा। यहाँ पे कुछ कुछ अगर बाल ऐसे निकल रहा होगा तो यहाँ पे दिख सकता है थोड़ा सा, है ना, ये इसके सामने, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। कान यहाँ पे ऐसे बनते ना, ये ना इसके नीचे जाता है, ठीक है, है ना। ये गर्दन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये गर्दन, ये बाल ना हमें ऐसे दिखता है, ठीक है, ये ऐसे गर्दन यहाँ दिखता है, ये वाला यहाँ से दिखता, ये नहीं दिखता, ठीक है, इसलिए गलत लग रहा था ये, समझ में आया क्या। हाँ ठीक है, अब क्या है, अब मुझे कोई डार्क पेंसिल, ये जहाँ पे मांग वो निकलता है ना, वहाँ धसा दिखता है ना, है ना, कैसे कैसे बाल जा रहा है, ये है ना, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा बाल ना, ये
तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि किधर किधर जा रहा होगा। हो सकता है कई लोग यहाँ पे छोटे छोटे बाल रखता है, ठीक है, तो वहाँ पे उतना नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मार्क हो जाएगा। नहीं दिन ऐसे कहते ये यहाँ पे से जा रहा होगा ना, ये चीज़ यहाँ पे से घेर के, है ना। अब मुझे ना डार्क पेंसिल देना, यहाँ पे कोई ऐसे लाइन नहीं होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक गुच्छा यहाँ पे फिर दूसरा गुच्छा इसके ऊपर आ गया ऐसे करके, तो ये मांग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, देखना, है ना। अभी क्या है कि ये जो डेप्थ वाला हिस्सा ना, इसे हम लोग कर देते हैं डार्क ऐसे से ना, देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐसे डार्क कर सकते हैं, देखना ऐसे, है ना, जितना इसको मिला के करो डार्क उतना मज़ा आएगा ना। और ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, ऐसे ऐसे देखो ऐसे करके, ठीक है। लाइट इधर सारा होगा तो ये सब में लाइट पड़ेगा ना ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या है, ये ऐसे लाइन खींच के जिधर बाल जा रहा है उसके हिसाब से ऐसे डार्क कर सकते हैं ना, ये ऐसे लाइन खींच सकते, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ भी ऐसे अंदर से बाहर निकल रहा है थोड़ा हो जाएगा, अब यहाँ पर लाइट रहेगा नहीं, ये फिर इधर इधर डार्क कर सकते। अब पेंसिल ना ये चल नहीं रहा ठीक से, आठ लाइन की पेंसिल अच्छी नहीं ना, तो सिक्स भी अच्छी नहीं चलती, पकड़ नहीं इसको। अभी तो जो पेंसिल खराब चली थी, अब देखो ये पेंसिल कितना अच्छा चल रहा है, अरे वाह, स्ट्रेटलर इसीलिए ना अच्छा होता है। तो लेकिन इससे आवाज़ नहीं आती। किससे? स्ट्रेटलर से। अब आवाज़ अच्छी है उसकी, वो मिट गया ना, ये देखो ऐसे ना, ये यहाँ से ना, ये अब पता है ये चीज़ थोड़ा सा आगे आना चाहिए ना, देखना ये ना, देखना तो अगला की तरह सारा बंद, ये इस साइड वाला तो पूरा डार्क ही होगा ना, देखने से करके हमें वो कहाँ पे वो लाइट डार्क वाला चीज़ दिखा देगा, इधर वाला हिस्से में ना, है ना, ये चीज़ देखो यहाँ पर ना, हाँ ऐसे ना, देखना दाढ़े ये पहले यहाँ पे काला कर ले ऐसे करके, है ना, ये देखो यहाँ पे ना ये ऐसे उठ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे लाइट लाइट दिखता है, ठीक है जी सर, है ना। फिर ऐसे नीचे चला गया तो यहाँ पे डार्क डार्क हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डार्क डार्क हो जाएगा, नहीं देखना, ये हिस्से को हम लोग डार्क कर सकते हैं ऐसे करके, है ना। यहाँ पे कुछ कुछ लाइन ना ऐसे ऐसे, देखना सर, आपने ऊपर क्यों लाइन करी, आपने बोला नीचे होएगी लाइन खाली, कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये दाढ़ी यहाँ पे निकल रहा है ना बाहर, तो इसके अंदर ये डार्क होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घना हो जाता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ये ऐसे से निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है ये ऐसे, अब क्या आगे बढ़ के ना ये बाल इसके ऊपर चढ़ेगा तो और घना हो जाएगा ना, तो ये वाला इससे यहाँ पे स्किन दिखता ना, तो इसके अंदर वाली चीज़ को हम ऐसे से डार्क कर देते हैं, ठीक है, इस वजह से होता है। इसके साथ देखो आपको दिखाई देगा, नहीं सर आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके बाल पे, हाँ ठीक है, ऐसे ना यहाँ पे सर को बैठा के शूट कर लेना, ठीक है, ये चीज़ ऐसे करके जूम करके दिखते हैं ना, आँख में यहाँ पे, आँख यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेट्स आना चाहिए ना, ऐसे देखना जी सर, कहाँ तक होगा ये, यहाँ तक आना चाहिए ना, है ना, इसके आँखों के ऊपर भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से ऐसे यहाँ पे हड्डी निकली होती है इसलिए छोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो इसके इतना नीचे तक ना, इसे ना तो चश्मा पहना दिए। अब ये वाला हिस्से में थोड़ा सा नहरा होता है ना, ये ठीक है, नाक का निचला हिस्सा यहाँ पे डार्क होगा, ये कैसे यहाँ पे उठा हुआ देख लीजिए, ये वाला स्किन यहाँ पे ऐसे से दिखाई देता है ना, देखना ये ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है। अगर लाइट जैसा आ रहा होगा तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हमें दिखा देगा ना, ये है ना, यहाँ पे हड्डी की वजह से हमें थोड़ा सा दूर से यहाँ पे कम आ जाएगा, नहीं ऐसे ऐसे करके जी ना। अब ये स्किन यहाँ पे अंधेरा हो रहा तो ये ऐसा इसमें मिला के मिल सकता है ना, इसमें आके यहाँ पे वैसे मिल सकता है ना, सर ऐसा ये इसके नीचे यहाँ पे अंधेरा होगा ना, देखना है ना, तो ये चीज़ हमें ऐसे ऐसे डार्क करके निकालेंगे ना तब ये अलग होगा ना, देखना ये देखना ये, ठीक है, यहाँ पे कॉलर ना, देखना ठीक है।
ये इससे को डार्क कर सकते हैं लोग देख, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक आध बाल ऐसे आ जाएगा। बात ये ना कि हम लोग बाल को जब दूर से देखते ना तो हमें इस तरह ऐसे दिखता है। अब ये लाइन से जो है वो कहाँ दिखता है पता है? जब जैसे कि बाल जब अलग होता है ना तो उसके अंदर जो डेप्थ होता है वो दिखता है हमें डार्क, ठीक है। तो हम लोग वो डार्क वाला ये जो डेप्थ वाला हिस्सा वो बनाते हैं, वो बनाते हैं, एक एक बाल नहीं बनाते हैं, ठीक है। किसी को कोई शक? बिल्कुल नहीं सर, ऐसे नहीं। डायरेक्शन में होंगे अगर डेप्थ या डेप्थ हो सकती है किसी भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है डायरेक्शन ये डेप्थ, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हमारा दिखने लगे ना, यहाँ पे ऐसे बाल था ना ये ना, क्योंकि ये करते करते ये ख़त्म हो रहा है ना। हाँ तो ये हिस्से में डार्क दिखना चाहिए दिखने जी सर, है ना। यहाँ पे डार्क हो सकता नहीं दिखना, ऐसे डार्क हो सकता ना। यहाँ पे ये मूंछ वाला हिस्से को डार्क कर सकते दिखना ऐसे ना, हो सकता है ना बताओ। तो यहाँ पे से निकाल सकते हैं ना हम लोग देखने से, करके नाक के नीचे भी से थोड़ा सा हो सकता है ना, यहाँ पे इसका यहाँ पे हो सकता है देखना जी सर, ये इसका साइड यहाँ पे बनेगा देखना है ना, नाक का यहाँ पे साइड बनेगा, थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देगा ना, ठीक है। यहाँ डार्क होगा नहीं देखने से, ठीक है।